लड़की पूछती है कब ब्याह होगा, शादी कब मनाओगे, वो कहता है जब नौकरी मिलेगी। बोला पिछले 4 साल से यही बोल रहे हो कि जब नौकरी मिलेगी तो शादी मनाएंगे। तो बोला पिछले साल 4 साल से वैकेंसी ही नहीं आ रही है, ना वैकेंसी आ रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना शादी हो रही है, क्या वैलेंटाइन डे मनाएगा लोग। ये स्थिति है कि घर के अंदर एक लोग कमाने वाला है, 5 लोग 7 लोग खाने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि हर साल देश में 5 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं। ऑलरेडी जिस देश में 5 लाख लोग हर साल इंजीनियरिंग कर रहे हो, वहां पे प्रधानमंत्री एक स्कीम लेकर के आते हैं, स्किल इंडिया। हम इंडिया को स्किल दिलाएंगे। अरे महाराज, इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत स्किल है, स्किल ले लेके हम लोग बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि आप इंडिया को जॉब कब दिलाएंगे, आप नौकरियां कब दिलाएंगे। जॉब की हालत ये है कि सरकारी सेक्टर में कोई स्टेट ऐसा नहीं है, गोवा को छोड़ दीजिए क्योंकि यहां कुल पॉपुलेशन ही 15 लाख है, हर स्टेट में 5 लाख 10 लाख पोस्ट खाली है, सरकार उस पर वैकेंसी नहीं निकालती है। अगर गलती से वैकेंसी निकल जाए तो एग्जाम नहीं लेती है, एग्जाम अगर हो जाए तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। आप सब आपने देखा होगा कि हमारे देश की पुलिस जो हमारे ही टैक्स के पैसे से वेतन लेती है, और हमारे देश घर के बच्चे जब नौकरियों के लिए सड़क पे उतरते हैं तो उनके ऊपर डंडा चलाती है। आपने देखा होगा कि इस देश के भीतर किसान सड़क पे बैठ करके 1 साल तक इंतजार करते रहे, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और जब उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव आया तो प्रधानमंत्री माफी मांग करके किसान बिल वापस करा दिए। मैं कहता हूं कि भाजपा को किसी भी प्रकार से सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है, इसीलिए वो चाहते हैं कि चुनाव के अंदर लोगों के सवाल गायब हो जाएं और समाज का धर्म के आधार पर पोलराइजेशन किया जा सके, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण किया जा सके। आप हमारा सपोर्ट भी कीजिए क्योंकि हमारी लड़ाई इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, और डेमोक्रेसी की यह लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, एक संगठित समाज के तौर पर जो समाज हम सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, उस समाज के नागरिक के तौर पे आप हमारा समर्थन कीजिए। आप घर घर जाइए और अपने सवालों को लेकर के लोगों को बताइए। आज जो हमारे समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में बात कीजिए, और जो हमारे बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं उनको पर्दाफाश कीजिए, और बताइए कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कांग्रेस इस देश के अंदर सिर्फ कांग्रेस को गाली देने के अलावे क्या काम किया है, समाज को बांटने के अलावे क्या काम किया है, धार्मिक झगड़े लगाने के अलावे क्या काम किया है। और ये प्रश्न पूछिए कि कहां है नौकरी, कहां है बिजनेस, कहां है विकास। विनाश की गंदी नाली को ये विकास की गंगा बता रहे हैं। लोगों का जो सवाल है वो सवाल रोजी रोजगार का सवाल है, वो सवाल विकास का सवाल है, और ये रोजी रोजगार और विकास का सवाल तभी पूरा होगा जब फियरलेस होकर के हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, अपने अधिकारों का एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमको इस देश के संविधान ने जो अधिकार दिया है उसको हम जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर बना सकते हैं। ये क्या करते हैं, मुद्दों को भटकाने के लिए आज की बात नहीं करते हैं, फ्यूचर की बात नहीं करते हैं, बार बार आपको झूठे इतिहास के दलदल में ले जाते हैं ताकि आपके बच्चे का भविष्य बिगाड़ सके। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, भाजपा के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। लड़की पूछती है कब ब्याह होगा, शादी कब मनाओगे, वो कहता है जब नौकरी मिलेगी। बोला पिछले 4 साल से यही बोल रहे हो
कि जब नौकरी मिलेगी तो शादी मनाएंगे। तो बोला पिछले साल 4 साल से वैकेंसी ही नहीं आ रही है, ना वैकेंसी आ रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना शादी हो रही है, क्या वैलेंटाइन डे मनाएगा लोग। ये स्थिति है कि घर के अंदर एक लोग कमाने वाला है, 5 लोग 7 लोग खाने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि हर साल देश में 5 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं। ऑलरेडी जिस देश में 5 लाख लोग हर साल इंजीनियरिंग कर रहे हो, वहां पे प्रधानमंत्री के स्कीम लेकर के आते हैं, स्किल इंडिया, हम इंडिया को स्किल दिलाएंगे। अरे महाराज, इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत स्किल है, स्किल ले लेके हम लोग बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि आप इंडिया को जॉब कब दिलाएंगे, आप नौकरियां कब दिलाएंगे। जॉब की हालत यह है कि सरकारी सेक्टर में कोई स्टेट ऐसा नहीं है, गोवा को छोड़ दीजिए क्योंकि यहां कुल पॉपुलेशन ही 15 लाख है, हर स्टेट में 5 लाख 10 लाख पोस्ट खाली है, सरकार उस पर वैकेंसी नहीं निकालती है। अगर गलती से वैकेंसी निकल जाए तो एग्जाम नहीं लेती है, एग्जाम अगर हो जाए तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। आप सब आपने देखा होगा कि हमारे देश की पुलिस जो हमारे ही टैक्स के पैसे से वेतन लेती है, और हमारे देश घर के बच्चे जब नौकरियों के लिए सड़क पे उतरते हैं तो उनके ऊपर डंडा चलाती है। आपने देखा होगा कि इस देश के भीतर किसान सड़क पे बैठ करके 1 साल तक इंतजार करते रहे, प्रधानमंत्री के मुंह से 1 शब्द नहीं निकला, और जब उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव आया तो प्रधानमंत्री माफी मांग करके किसान बिल वापस करा दिए। मैं कहता हूं कि भाजपा को किसी भी प्रकार से सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है, इसीलिए वो चाहते हैं कि चुनाव के अंदर लोगों के सवाल गायब हो जाएं और समाज का धर्म के आधार पर पोलराइजेशन किया जा सके, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण किया जा सके। आप हमारा सपोर्ट भी कीजिए क्योंकि हमारी लड़ाई इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, और डेमोक्रेसी की यह लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, एक संगठित समाज के तौर पर, जो समाज हम सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, उस समाज के नागरिक के तौर पे आप हमारा समर्थन कीजिए। आप घर घर जाइए और अपने सवालों को लेकर के लोगों को बताइए। आज जो हमारे समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में बात कीजिए, और जो हमारे बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं उनको पर्दाफाश कीजिए, और बताइए कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कांग्रेस इस देश के अंदर सिर्फ कांग्रेस को गाली देने के अलावे क्या काम किया है, समाज को बांटने के अलावे क्या काम किया है, धार्मिक झगड़े लगाने के अलावे क्या काम किया है। और ये प्रश्न पूछिए कि कहां है नौकरी, कहां है बिजनेस, कहां है विकास। विनाश की गंदी नाली को ये विकास की गंगा बता रहे हैं। लोगों का जो सवाल है वो सवाल रोजी रोजगार का सवाल है, वो सवाल विकास का सवाल है, और ये रोजी रोजगार और विकास का सवाल तभी पूरा होगा जब फियरलेस होकर के हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, अपने अधिकारों का एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमको इस देश के संविधान ने जो अधिकार दिया है उसको हम जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर बना सकते हैं। ये क्या करते हैं, मुद्दों को भटकाने के लिए आज की बात नहीं करते हैं, फ्यूचर की बात नहीं करते हैं, बार बार आपको झूठे इतिहास के दलदल में ले जाते हैं ताकि आपके बच्चे का भविष्य बिगाड़ सकें। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, भाजपा के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.